दोस्तों कॉनकेव मिरर एक बहुत ही स्पेशल टाइप का मिरर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हर टाइप की इमेज बनाता है, रियल, वर्चुअल, इन्वर्टेड, इरेक्ट, मैग्नीफाइड, डिमनी, सेम साइज, हर टाइप की इमेज बनाता है। इन शॉर्ट बोलो तो मैं कॉनकेव मिरर को सभी मिरर का फादर बोल सकता हूँ। कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम को समझने के लिए आपको 4 बेसिक रूल समझने होंगे। चारों काफ़ी आसान है, जिसमें से पहला ये, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास करेगी, एंड वाइस वर्सा अगर वो फोकस से जाती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। थर्ड रूल ये है, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी पाथ पर वापस चली जाएगी। एंड फोर्थ एंड लास्ट, अगर वो पोल पर इंसिडेंट होती है और प्रिंसिपल एक्सिस से आई एंगल बनाती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस से आर एंगल बनाएगी। और ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों कि आई इज़ ऑलवेज इक्वल टू आर। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए नीचे सब्सक्राइब का बटन है उस पर क्लिक करिए।